तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि प्रमाण पत्र लेने के लिए भी अवैध वसूली दोस्तों जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट है। जो प्राइवेट कॉलेज है भैया, वो अवैध वसूली कर रहे हैं 2017 बैच। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको बता दें, अभी डीएलएड 2018 बैच के छात्रों को भी प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कॉलेज जाकर, 2019 बैच के छात्रों को भी। देखिए गाइस, जब आप लोग प्रमाण पत्र लेने जाए तब आपको ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपके कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं कटने वाले कि अब भी आप लोग कॉलेज में डरे। अगर आपने पूरी फीस सबमिट कर दी है तो बिल्कुल ही आप फ्री में आप जाकर अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। पीएनपी के दोस्तों बड़ी तानाशाही निकल कर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड को लेकर छात्र परेशान है। जी हाँ दोस्तों, मामला क्या है देखिए, 1894 शिक्षक भर्ती को लेकर बच्चे इस समय परेशान है। कुछ बच्चों का मानना है कि भैया वो जनरल से भरे थे, उनका कुछ और कैटेगरी आ रहा है एडमिट कार्ड में लिखकर। ये दोस्तों उनकी भैया बड़ी समस्या है। उसके बाद देखिए एक और अपडेट, क्या रिजल्ट 22 अक्टूबर तक आ पाएगा? जी हाँ दोस्तों, डीएलएड 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर का जो हमारा बैक पेपर का मतलब पेपर हुआ, क्या उसका रिजल्ट आ पाएगा? जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई कि बेसिक स्कूलों में लगेगी चुनावी पाठशाला। ठीक है, ईडब्ल्यूएस यूपी टेट छात्रों के साथ बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर्थिक रूप से कमजोर या इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो गाइस क्या मामला उसको देखेंगे। पासिंग मार्क को लेकर छात्रों में बड़ी कंफ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे ओबीसी कैटेगरी है हमारी, एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है, और उसके बाद दोस्त अगर हमारी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आती है तो क्या दोस्त इन बच्चों को भी मतलब जो होती है ना पासिंग मार्क, जैसे ओबीसी के लिए पासिंग मार्क कितनी है, 82 है, मतलब आरक्षित वर्गों के लिए पासिंग मार्क तो 82 नंबर है, तो क्या दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों का भी भैया पासिंग मार्क बदला जाएगा? पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की तारीख की अपडेट को भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कब तक मतलब परीक्षा की तारीख को जारी किया जा सकता है? बच्चे इस समय बेहद परेशान है चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की बड़ी अपडेट को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट आएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर सभी सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होना है। देखिए अगर रिजल्ट में ज्यादा देरी होती है द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में, देखिए फिर छात्रों के साथ एक और बड़ी समस्या आ जाएगी। देखिए दोस्तों, समस्या क्या है द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर में, देखिए अगर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देरी से आएगा तो 2019 बैच के अधिकांश फेल छात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया फिर उनका यूपी टेट का पेपर वैलिड नहीं हो पाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, यूपी टेट या सी टेट का फॉर्म सिर्फ वही बच्चे डाल सकते हैं जो कि इस समय फाइनल ईयर के छात्र हैं या जिनका डीएलएड या बीएड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस देखिए, अभी आप लोग का अगर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा तब आप लोग फाइनल ईयर के छात्र कैसे हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट भी नहीं किया गया है, तब तो आप फाइनल ईयर के छात्र हो ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पीएनपी की बड़ी तानाशाही है। रिजल्ट जारी करने में अगर ऐसी ही दिक्कत आती रही फिर देखिए आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये था कि क्या 22 अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आ पाएगा? देखिए गाइस, 16 अक्टूबर हो चुकी है तारीख हमारी लगभग, और 18 अक्टूबर तक ही हमारी कॉपियों का मूल्यांकन होना है। अगर सारा काम बिल्कुल राइट टाइम हुआ तो हो सकता है कि दोस्तों जो हमारा रिजल्ट है वो समय से आ पाए। तो इंतजार की दोस्तों घड़ियां लगभग लगभग समाप्त होने वाली है। समय दोस्तों कम है, अब 1 हफ्ते में अगर पीएनपी ने रिजल्ट विजल्ट जारी कर दिया तब तो बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे, नहीं तो दोस्तों शिक्षक भर्ती में बच्चों को मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो गाइस, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों को जागरूक करिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नई भर्ती में मौका मिले तब आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए मेन बात क्या पता है, जो भर्ती है ना वो हर साल निकल कर नहीं आती है। जो हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, आपको बता दें तो दोस्तों, जो हमारी लास्ट वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों 2018 दिसंबर महीने में आई थी, और इसका पेपर दोस्तों कराया गया था 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी 2019 को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 के बाद 2019 में कोई वैकेंसी नहीं निकल कर आती है। 2020 का साल बच्चों का बर्बाद हो गया, 2021 में भी कोई उम्मीद नहीं है। वैकेंसी दोस्तों हमारी 2022 में आ सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप नई भर्ती से बाहर हो जाए, चाहे डीएलएड में आपकी बैक लग जाए या आपका यूपी टेट या सी टेट का पेपर क्लियर ना हो पाए, तब सोचिए आपको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मान के चलिएगा दोस्तों, ये आपके लिए आ रहा पा रहा है इस बार, ठीक है, मौका मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप 3-4 साल तक बेरोजगार बैठे रहेंगे। और सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा आज के दिन इतने लंबे समय तक बेरोजगार नहीं रहना चाहेगा। तो देखिए आप लोग प्रयास करेंगे तभी दोस्तों आप नई भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर देखिए दोस्तों आपको दिक्कत आ सकती है।
बाकी देखिए आज हमारे ट्विटर पर हमारे देश में क्या ट्रेंड हो रहा है। आज का रावण नरेंद्र मोदी, जी हाँ दोस्त, ये हमारे ट्विटर पर भैया ट्रेंडिंग नाउ पर चल रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या क्या यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रहा है, आपके सामने सब कुछ है। फिलहाल दोस्तों हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी जीतता कैसे है, हम उनको वोट देते तभी तो जीतते हैं। तो भैया चुनाव आ रहा है तो अगर आपको जो सही लगे आप उसको वोट कर दीजिएगा। और ऐसी चीजें हमें फिलहाल अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भैया ट्रेंड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्त इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करती है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसी चीजों से बचिए। जो हमारे दोस्तों सही मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए हमें ट्विटर पर, ताकि हमारा फायदा हो। इसके जगह दोस्तों शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठता तो हो सकता था कि हमारे लिए जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन आ जाता। देखिए नई भर्ती का विज्ञापन में अगर ज्यादा देरी होती है, आचार संहिता एक बार लागू हो गई, तो ये मान के दोस्तों चलना है आपको, फिर नौकरी में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। देखिए दोस्तों एक बात और आपको बता दे, पासिंग बार को लेकर कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर जरा देखिए। अब दोस्तों यहाँ ईडब्ल्यूएस के छात्रों में कंफ्यूजन ये है कि जब इन बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है तो इन बच्चों की पासिंग मार्क को 82 नंबर क्यों नहीं किया जा रहा है। पासिंग मार्क दोस्तों अगर आपको बता दें ईडब्ल्यूएस के लिए जो है ना फिलहाल वो जनरल में दोस्तों काउंट किया जाता है, तो इनकी पासिंग मार्क भी 90 नंबर है। अब देखिए दोस्तों इनका जो फॉर्म की फीस होती है वो ओबीसी और देखिए जनरल दोनों तो सेम होती है ना, तो यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस का ज्यादा कुछ मतलब या रोल नहीं हो पा रहा है। फायदा एक ही तरह से दिया जा सकता है कि इन बच्चों की जो पासिंग मार्क है उसको 82 कर दी जाए, बाकी जो बच्चे जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं उनकी पासिंग मार्क 90 नंबर, तब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस होने का फायदा होगा। नहीं तो फिलहाल यूपी टेट में तो ईडब्ल्यूएस होने का कोई फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, उसका फायदा मिलेगा आपको शिक्षक भर्ती में। अब दोस्तों फायदा कैसे मिलेगा, 10% का इन बच्चों को आरक्षण मिलेगा। 10% का सीधा सा दोस्तों मतलब है जितनी वैकेंसी आ रही है उसका 10% निकाल दीजिए। मान लेते 1 लाख पदों पर वैकेंसी आ रही है तो उसके हिसाब से 10% मतलब 10,000 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए आरक्षित हो जाएगी। एक बात और दोस्त यहाँ पर आप समझने वाली है कि जो हमें आरक्षण मिलता है, जी हाँ दोस्तों, उसमें कोई और बच्चा नौकरी नहीं ले सकता। जैसे आप ये समझ लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी जो होती है इसमें सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के ही बच्चे नौकरी ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि बाद में जनरल के बच्चे इसमें नौकरी ले जाएं, बिल्कुल नहीं। ओबीसी कैटेगरी सिर्फ ओबीसी के बच्चों के लिए होती है। वैसे दोस्तों ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी बनी है यहाँ पर ओबीसी के बच्चे नौकरी नहीं ले सकते, एससी कैटेगरी के बच्चे नौकरी नहीं ले सकते, सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत ही बच्चे नौकरी ले पाएंगे। या दोस्तों बाद में उसको क्या कर दिया जाता, जनरल सीट बना दिया जाता, मान लेते सीट खाली रहती है तब, तो वो एक अलग मुद्दा होता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों देखिए क्या अपडेट क्या है चुनावी पाठशाला में, बधाई से अपडेट आई। परिषदीय विद्यालयों में जल्द ही बच्चों के लिए चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। गांव में अशिक्षित युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को भी इस पाठशाला से जोड़ा जाएगा। यहाँ लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी कक्षाएं संचालित होंगी। इनमें दोस्तों मतदान के महत्व, ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया सहित चुनाव से जुड़ी विभिन्न प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्त ये बढ़िया चीज है। फिलहाल देखिए हमारा चुनाव आने वाला है और इस बार आपको ध्यान रखना है, जो सरकार दोस्तों आपके लिए नौकरी की बात करे, डीएलएड छात्रों की मतलब प्रथम वरीयता, जी हाँ दोस्त याद रखिएगा, आपको टीजीटी में मौका नहीं मिलता, बीएड छात्रों को टीजीटी में भी मौका मिलता है और परिषदीय मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी मौका। अगर आपको वरीयता दे दिया जाए, कोई भी सरकार दे, तो भैया आग बंद करके आप उनकी तरफ चले जाइए, क्योंकि आपका फायदा वहीं से होगा। ठीक है, देखिए अगर आप इस समय अपना फायदा नहीं देखेंगे ना, तब आपका डीएलएड करना भी बेकार हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या हुआ दोस्तों, बहुत से बच्चे इसीलिए बाहर हो गए। आपको बताते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत से ऐसे डीएलएड के बच्चे थे जिन्होंने सुपर टेट का पेपर पास कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई, उनकी मेरिट थोड़ी सी कम रह गई। अब दोस्तों बीएड के छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी तो सिंपल सी बात है, नौकरी लेने में बीएड के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई। तो सोचिए जहां पर दोस्तों डीएलएड के छात्र ही अभी तक नौकरी लेते थे, वहां पर अब दोस्तों बीएड के बच्चे बाजी मार ले जा रहे हैं। मतलब डीएलएड से ज्यादा सिलेक्शन बीएड के छात्रों का हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएलएड के छात्रों के साथ कितना बड़ा ये धोखा किया गया। बाकी बीएड के छात्रों को टीजीटी में बढ़िया मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो भी तो नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों उनको मौका दे दिया जा रहा है। तब देखते हैं दोस्तों, देखिए कुछ बड़ी अपडेट, स्कॉलरशिप दोस्तों जो आ रही है आपकी या नहीं आएगी उसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चुनाव दोस्तों जैसे ही करीब आता जाएगा, हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। फिलहाल देखते हैं, और आप लोग जो उसमें गलत गलत चीजें आपने भर रखी उसको अगर आप सही करा सके तो करा दीजिए, जिससे दोस्तों आपका फायदा हो सकता है। पीएनपी की तरह सही दोस्तों हमने बता दिया, एडमिट कार्ड को लेकर बच्चे बेहद परेशान है और प्रमाण पत्र लेने के लिए, जी हाँ दोस्तों आप डरिएगा मत, आप लोग बहुत डर चुके होंगे आप लोग। अब देखिए आपका प्रैक्टिकल का नंबर नहीं बचा है, सब कुछ हो चुका है, तो
इस बार दोस्तों आपको भैया अवैध वसूली आपसे ना होने पाए, ऐसा ना हो कि आप जाए तो आपसे कहें 2,000 रुपए दे दो, 1,000 रुपए दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ऐसा इस बार ना होने पाए। अब दोस्तों रिजल्ट हमारा 22 अक्टूबर तक तभी आ पाएगा जब छात्र बहुत ही ज्यादा ठीक है इसको बड़े लेवल पर संघर्ष करेंगे, नहीं तो समय लग जाएगा, तो फिर आपका यूपी टेट वैलिड में भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, बाकी जो भी डेट शीट है, रिजल्ट है, स्कॉलरशिप का स्टेटस है, जो भी लेटेस्ट अपडेट ईडब्ल्यूएस, सब कुछ लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।